आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और करंट अफेयर इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आर ओ ए आर ओ का जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। अभी 8 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ संडे को और ये 2017 का आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम था, तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, लगभग 450 वैकेंसीज थी, ठीक है। लेकिन अभी हालिया में एक दिन पहले आयोग ने क्या किया है, 200 से ऊपर पदों को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपकी टोटल सीटें जो हो गई वो 700 के पार चली गई, ठीक है। स्टार्टिंग में हम अनुमान लगा रहे थे कि जो कट ऑफ होगा जनरल का वो 128 के आसपास जाएगा, मतलब 125 के ऊपर जो है वो सिक्योर माना जाएगा, ऐसा हमारा स्टार्टिंग में अनुमान था। लेकिन एक लग रहा था ऐसा अंदेशा कि सीटें जो है बढ़ेंगी, इस वजह से कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं बनाया जा रहा था। तो देखिए, पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब टफ ही नहीं था, ठीक है, मतलब इजी लेवल के पेपर थे। लेकिन माइनस मार्किंग होने की वजह से, पहली बार जब माइनस मार्किंग इसमें इंक्लूड किया गया, इसकी वजह से पेपर का लेवल चेंज हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस टफ नहीं थे, इस माइनस मार्किंग की वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई भी नहीं जाएगा और कट ऑफ बहुत लो भी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि 115 कट ऑफ चल जाएगा, ठीक। आगे सीटें बढ़ेंगी तो हो सकता है, लेकिन अभी जो कंडीशन है 700 के आसपास जो सीटें हैं उस अनुसार जो आपकी कट ऑफ है वो 115 या 110 नहीं जाने वाली, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। और दूसरी बात, 135 और 140 कट ऑफ भी नहीं जाएगा, इतना भी ज़्यादा मतलब इजी पेपर नहीं था, ठीक है। तो कट ऑफ लगभग 120 के आसपास रहेगा। तो आज इसी वीडियो में यही बात करेंगे कि जनरल ओबीसी गर्ल्स का एससी एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, ठीक। तो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है, तो लगभग 122 नंबर, 122 प्लस जिसका है वो अपने आप को सिक्योर समझे, जनरल में जिनका 122 प्लस है वो अपने आप को सिक्योर समझें, ठीक। ओबीसी में भी 122 के आसपास ही आप देख लीजिए, तो 122 के ऊपर जितने भी हैं जनरल ओबीसी में मेल, वो अपने आप को सिक्योर समझें। बढ़ते हैं एससी की बात करते हैं, एससी मेल में, एससी में देखिए, एससी में लगभग आपका 110 प्लस जो लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर समझें, मतलब 110 के ऊपर जो हैं एससी में वो अपने आप को सिक्योर समझें। और इसी के 1-2 नंबर पीछे थोड़ा सा आप एसटी वाले जो हैं शेड्यूल ट्राइब वाले, वो भी अपने आप को सिक्योर समझें। तो जनरल का कितना, जनरल का आपका 122 और ओबीसी का भी लगभग 121-122, उसके बाद आपका एससी में मेल का ही मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल 110, और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 108 मान लीजिए या 110 ही मान लीजिए इसको भी, ठीक है। अब बात करते हैं गर्ल्स की, तो देखिए गर्ल्स का जो कट ऑफ होगा वो 115 प्लस रहेगा, क्योंकि एससी और ओबीसी के बीच में गर्ल्स का कट ऑफ जाता है, तो गर्ल्स का कट ऑफ जो है वो किसी भी कैटेगरी के हैं वो 115 उनका कट ऑफ जाएगा। तो ये था एक सामान्य जानकारी आपके लिए कट ऑफ के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया, आप लोग कैसे क्वेश्चन किए हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कट ऑफ से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने जो राय हैं या फिर कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।